हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं अभिषेक, आपका दोस्त, आपका होस्ट, जैसे भी आप प्यार से बुलाएं। स्वागत है आप सभी का ऑन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट सिंप्लीफाई फाइनेंस विद अभिषेक, पावर्ड बाय मार्केटिंग। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा आप सब लोगों का कि आप सब ने काफ़ी प्यार दिया, सब लोगों ने रिस्पॉन्ड किया एंड काफ़ी लोगों को टीजर बहुत पसंद आया। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा थ्रू आउट दिस एंटायर सीरीज। वैसे सच बताऊँ तो अमीर तो हर कोई बनना चाहता है एंड अमीर बनने के लिए लोग दिन रात मेहनत भी इतनी करते हैं, बट इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ सपने ऐसे हैं जो सिर्फ पैसों की कमी के कारण पूरे नहीं हो पाते। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आप तो दिन रात मेहनत कर लेते हैं पर आपका हार्ड एंड मनी आपके लिए कुछ नहीं कर पाता। जब तक आपका हार्ड एंड मनी आपके लिए काम नहीं करेगा तब तक वो सारे सपने बस सपने ही रह जाएंगे। एंड ऑल्सो देर इज अ फेमस कोट ऑफ वॉरेन बफेट ऑन दिस, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। डोंट वरी गाइज, मैं अभिषेक आपका दोस्त इस पॉडकास्ट में वो सारे टॉपिक्स कवर करूंगा जिससे आपके वो सारे सपने बस सपने ना रह जाए। सो इस पूरी सीरीज को ध्यान से सुनिएगा एंड मेक श्योर कि एक भी एपिसोड मिस ना हो पाए। सो बिफोर जंप इनटू द टॉपिक, लेट मी क्लियर योर माइंड फर्स्ट अबाउट व्हाई यू शुड लिसन टू दिस पॉडकास्ट। एज आई अर्लियर सेड इन माय टीजर ऑल्सो, मैं भी आप ही लोगों की तरह एक सीधा सा इंसान हूँ बट फाइनेंस को लेकर बहुत पैशनेट हूँ। मैंने फाइनेंस के रिलेटेड बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, मैंने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है एंड आई हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स लाइक पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, वेल्थ क्रिएशन, रिस्क मैनेजमेंट। Let me clarify first, I am not here to teach you guys on how to manage the entire business finance. No, there are professionals for that. I am here for those guys जो job करते हैं, जो students हैं and specially for those जो कहीं ना कहीं अपने future को लेकर serious है and अपना future secure करना चाहते हैं। This is the main reason कि मैंने अपने podcast का नाम Simplify Finance रखा है because I am here to simplify this complicated world of finance फॉर ऑल दोस गाइज। तो शुरू करते हैं आपके सपनों का सफर। याद है मैंने आपको पॉडकास्ट के टीजर में क्वेश्चन पूछा था, इफ एनीबडी हैज मिस्ड इट मैं वापिस एक बार रिपीट कर देता हूँ। वॉट इफ कि मैं आपको 1,00,000 रुपीज मंथली सैलरी देने लग जाऊं फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स और अ फुल अमाउंट ऑफ 1,00,000,000 रुपीज इन योर बैंक अकाउंट राइट नाउ, तो आप क्या चूज करोगे? तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को एड्रेस कर लेता हूँ जिन्होंने ऑप्शन 1 सिलेक्ट किया था, देन आई विल टॉक अबाउट ऑन ऑप्शन 2 ऑल्सो। इन द केस ऑफ ऑप्शन 1, यू माइट थिंक दैट टेकिंग 1,00,000 रुपीज पर मंथ मीन्स 12 लैक्स ईयर एंड अ टोटल ऑफ 1,20,00,000 इन 10 ईयर्स, सो ये ज्यादा है। सम ऑफ यू माइट थिंक दैट इट इज अ मच सेफर ऑप्शन टू टेक बिकॉज इट विल गिव मी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड अ रेगुलर इनकम ऑफ 1,00,000 रुपीज फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, सो कोई टेंशन ही नहीं अगले 10 सालों तक। बट लेट मी टेल यू गाइस, यू आर मिसिंग समथिंग। आपने इन्फ्लेशन के बारे में तो सोचा ही नहीं। वेल, इन सिंपलर टर्म्स, इन्फ्लेशन मीन्स ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस बढ़ जाना। अगर और अच्छे से सिंप्लीफाई करें इस चीज को, तो फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4% से इंक्रीज होता है, मतलब जो चीज आज आपको 100 रुपए में मिल रही है उसी सेम चीज को खरीदने के लिए अगले साल आपको 104 रुपए देने पड़ेंगे। वैसे बहुत सारे रीजन होते हैं प्राइस इंक्रीज होने के पीछे, लाइक रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग बढ़ गई, लेबर कॉस्ट बढ़ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वी हैव टू कंसीडर दिस कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड इट इज सुपर इम्पोर्टेंट, वी कांट इग्नोर इट। अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम विद ऑप्शन 1 इज बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन इफेक्ट 10 साल के बाद आप सेम 1,00,000 रुपए में वो सारी चीजें नहीं खरीद पाओगे जो आप आज खरीद सकते हो। नाउ इन द केस ऑफ सेकेंड सिनारियो, अगर आप 1,00,000,000 रुपए आज ही ले लेते हैं एंड उनको इन्वेस्ट करते हैं इन प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटीज, देन इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज इन दिस केस यू हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन बाई टेकिंग द मनी फर्स्ट एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर अलोकेशन ऑफ दिस फंड्स योर एग्जिस्टिंग मनी विल स्टार्ट ग्रोइंग। मतलब कि ये वाले केस में ना विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको इन द लॉन्ग रन बहुत ज्यादा फायदा होगा बिकॉज आपका जो एग्जिस्टिंग मनी है ना वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स यू विल हैव
over a certain period of time. Don't worry guys, we will have a separate episode on this power of compounding. वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. So I hope कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि earlier why I said making money is very easy, but managing money is the real art. Now let's talk about why to save money. People often get confused between savings and investment. Actually, मुझे ना ये बात मेरे पापा ने सिखाई थी कि बेटा savings करनी चाहिए. In your difficult time like emergencies, आपकी savings ही है जो आपके काम आएगी. Yes, I totally agree with him. Saving money is a kind of earning money. But there is a very thin line difference between savings and investments. I really want to advise youngsters like me, start saving money and invest as early as possible. Because bade-bade investors like Warren Buffett, Peter Lynch, Rakesh Jhunjhunwala, even they believe this. The earlier you save, the more you make. Because savings jo hai na, wo kabhi badegi nahi. It will always be limited. Where in the case of investments, your existing money will start growing. And मैंने ना ये चीज़ notice किया है कि बहुत सारे लोग invest तो करना चाहते हैं but वो अभी भी confused रहते हैं कि किस चीज़ में invest किया जाए and कहाँ invest किया जाए. घबराइएगा मत, हमारा सफ़र सिर्फ ये एक एपिसोड तक का नहीं है, हमारा सफ़र इस पॉडकास्ट में एक पूरी सीरीज़ का है. आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा इन द अपकमिंग एपिसोड्स. एंड इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज You will have a complete understanding about how simply you can manage your finances. Trust me guys, मैं आपके बहुत सारे पैसे एंड टाइम बचा रहा हूँ ये पॉडकास्ट बनाकर. आपको बस स्टार्ट से लेकर एंड तक इस पूरी सीरीज में मेरा साथ देना है. Now, at the end of this episode, I want to give you 5 tips, or you can say 5 golden rules of investment. So keep your paper pen ready and hashtag note कर लीजिए. Rule number 1, you should have your proper financial plan ready in your hand. बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को मीट करने में आपकी हेल्प करेगी. रूल नंबर 2, डू योर रिसर्च प्रॉपरली बिफोर स्टार्ट इन्वेस्टिंग. बिकॉज आप नेक्स्ट सिर्फ 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करने वाले, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट फॉर अबाउट जस्ट नेक्स्ट 1 and 2 years, देन इट्स बेटर कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें. आई वुड सजेस्ट कि आप सेविंग्स करें. सो कीप दैट इन योर माइंड. रूल नंबर 3, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन टू 1 basket. ऑब्वियसली ये लाइन तो सब नहीं सुनी होगी, बट बाय दिस लाइन व्हाट आई मेंट इज यू शुड हैव अ प्रॉपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फॉर हेजिंग योर रिस्क. रूल नंबर 4, ऑलवेज इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव. बिकॉज इंडियन स्टॉक मार्केट इज ड्रिवन बाय पब्लिक सेंटिमेंट्स एंड इट इज वेरी अनप्रडिक्टेबल. सो ऑलवेज ऑलवेज लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, बिकॉज देन ओनली यू विल गेट बेनिफिटेड बाय द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल नंबर 5, स्टिक टू योर प्लान. Always have a discipline in the investment. Don't give yourself excuses like ये मंथ थोड़ा टाइट है, इस मंथ को रहने देता हूँ, अगले मंथ से इन्वेस्ट करूँगा. No, believe in the philosophy of invest first and spend later. So guys, always remember these 5 golden rules of investment. And don't worry, we will cover all these golden rules in detail in the upcoming episodes. I hope you guys like my podcast. If you have any question or you want a specific topic to be covered by me, You can DM me on my Instagram account at abhi_1043, or you can directly DM to the Marketing Hooks Instagram account at marketinghook21. Till then, see you guys. Stay tuned for more episodes and don't forget to tune into hashtag note kar lijiye.